हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट। आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोग को गेट 2022 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको यहाँ पे सब्जेक्ट बाय डिस्कशन करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को माइंड सर्वेइंग के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये है आपका लेवलिंग सर्वे से, जिसमें करेक्शन ऑफ स्टाफ रीडिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि स्टाफ की करेक्ट रीडिंग क्या हो। तो चलिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बोला है, इन ए लेवलिंग सर्वे ए रीडिंग इज टेकन एज 2.25 मीटर्स, हाउएवर अलोंग द लाइन ऑफ साइट देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पोजीशन ऑफ स्टॉक, द करेक्ट रीडिंग इन मीटर इज। ठीक है, तो बोला है कि आपका एक लेवलिंग सर्वे हो रहा था, जिसमें एक रीडिंग है स्टॉक की जो है आपका 2.25 मीटर्स। ठीक है, ये जो रीडिंग ली गई है ये तब ली गई है जब मेरा स्टाफ था, जो मेरा स्टाफ था वो वर्टिकल स्टाफ से 20 सेंटीमीटर डिफ्लेक्स था अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मतलब कि आपका जो वर्टिकल स्टाफ है ये भी इससे 20 सेंटीमीटर अलोंग द लाइन ऑफ साइट, मतलब इसी लाइन के अलोंग ही डिफ्लेक्ट हुआ था कुछ इस तरह से, तब उस पर रीडिंग थी 2.25 मीटर्स। ठीक है, तो मुझे बताना है कि स्टाफ की करेक्ट रीडिंग क्या होगी, मतलब ए बी का लेंथ मुझे बताना है, मतलब ए बी पे जो रीडिंग आई हो उसको बताना है मुझे। ठीक है, वर्टिकल स्टाफ पे जो रीडिंग आई, तो यहाँ पे करेक्ट रीडिंग का मतलब हो गया कि जो लाइन ऑफ साइट है और जो वर्टिकल स्टाफ है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी मेरा रीडिंग आता है वर्टिकल स्टाफ पे वो होता है करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल देख ही रहे हैं, मैं इस पॉइंट को सी कंसिडर कर लूँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल स्टाफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए बी सी, देन यहाँ पे आप लोग का ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो मेरा ए बी पता करना है, तो ए बी आ जाएगा मेरा रूट ऑफ ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देन ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.25 का होल स्क्वायर माइनस 20 सेंटीमीटर इट मीन 0.2 का होल स्क्वायर रूट ओवर, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आता है आपका 2.241 आता है। यहाँ पे बोला है राउंड अप टू डेसिमल, तो यहाँ पे हम लोग दो डेसिमल तक लिखेंगे, 2.24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट रीडिंग मेरी स्टाफ की हो जाएगी 2.24 मीटर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का बहुत इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, करेक्शन ऑफ स्टाफ रीडिंग क्या आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका है एक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है, सेम एज इट, इसमें बस डाटा को चेंज किया है, बाकी सारा जो पूछा है वो भी सेम ही है इसमें। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये आई होप बन गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द शाफ्ट टॉप कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिकल शाफ्ट आर गिवन बिलो, द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट ए एंड बी आर 200 and 149 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, एंड शाफ्ट ए एंड बी का लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है, उसका आरएल भी दिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है कुछ नॉर्थिंग वेस्टिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम लोग कॉर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे मैं एक सिंपल सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कुछ बनाता हूँ, नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन होती है वो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ईस्ट वेस्ट वाली है वो डिपार्चर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लैटिट्यूड बोला है ये मैंने शाफ्ट ए को उठाता हूँ, यहाँ पे शाफ्ट ए का जो लैटिट्यूड है 670 है। ठीक है, तो 670 यहाँ पे आएगा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और डिपार्चर वेस्टर्न साइज में है 150, इनमें से कहीं पे आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट, एंड जो मेरा बी पॉइंट है मतलब बी शाफ्ट जो है उसका जो लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है 170, नॉर्थिंग है तो नॉर्थिंग पे 170 और ईस्टिंग पे 50 है, सो यहाँ पे 50 है, तो ए वाला पॉइंट हो जाएगा बी। इस कोऑर्डिनेट को लिखे यहाँ पे, तो जो मेरा ए का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा मेरा 670, पहले लैटिट्यूड को लिखते हैं फिर डिपार्चर को लिखते हैं, कामा माइनस 150। ठीक है ना, माइनस 150 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा जो डिपार्चर होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, और इसमें क्या होगा यहाँ पे 170 कामा 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, मैंने कोऑर्डिनेट को इजीली फाइंड आउट कर लिया, मेरी लाइन कुछ इस तरह से लाइज कर रही है। ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट पता कर लिया, कोऑर्डिनेट के थ्रू मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा, इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट किया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया।
चलिए, मैं यहाँ पे ए भी है इसी लाइन को मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रा किया हूँ, तो इसको मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ, इसको बी कर रहा हूँ और इनके कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे एज इट लिख देता हूँ। ठीक है, तो कितना है 670 माइनस 150 और ए है आपका 170 कमा 50। ठीक है, मेरा ए भी आ गया। इसके बाद आगे कहानी बोला है कि जो सरफेस एरियल दिया है ए पॉइंट का, जो मेरा शाफ्ट ए है यहाँ पे और ये जो शाफ्ट बी है इनका रिस्पेक्टिवली, मेरा आर एल भी दिया हुआ है 152 और 209। तो यहाँ पे हम लोग आर एल क्या होता है समझ ही रहे हैं आप, डेटा में आप इनसे लेवल से जो भी उसकी उससे कितना ऊपर है वही मेरा आर एल होता है। ठीक है ना, ये मेरा डेटम लाइन है, कंसिडर कर लेना कि मेरा डेटम लाइन है, ये वाली लाइन जो है डेटम लाइन है। और यहाँ से जो शाफ्ट ए है वो है 250, मिड इट मीन्स ए वाली जो लेंथ है 150 होगी और ए वाली जो है ए वाली लेंथ ये होगी आपका 209। ठीक है, इसके बाद बोला है, इसके बाद इसमें और चीजें बोला गया है, बोला गया है कि शाफ्ट ए की जो डेप्थ है वो है 200 मीटर्स, मतलब शाफ्ट ए की डेप्थ इट मीन्स आपका ए वाली जो लाइन है शाफ्ट ए है 200 मीटर, मतलब ए वाला जो लाइन है ए वाली लाइन आपका 200 मीटर्स नीचे तक है, मतलब मान लीजिए यहीं कहीं आपका इसका ए का बॉटम होगा और बी का जो है 149 है, तो मान लेता हूँ 149 का कुछ यहीं पे आपका इसका बॉटम आ रहा है, मतलब ए वाली जो लाइन है इसकी लेंथ है 140 मीटर। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया और इसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि आपका जो शाफ्ट ए है शाफ्ट बी का जो बॉटम पॉइंट है इट मीन्स इसका बॉटम पॉइंट यहीं कहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा और शाफ्ट बी का बॉटम पॉइंट कहाँ यहीं पे आएगा। ठीक है, बोला है द डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द बॉटम ऑफ टू शाफ्ट इन डिग्री, मतलब जो डाउनवर्ड बॉटम का बॉटम है दोनों का उनको मिलाने वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है वो मुझे पता करना है। ठीक है ना, ये बस एंगल को फाइंड आउट करना है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारा डाटा मुझे मिल चुका है, मुझे यहाँ पे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, टेन थीटा लगा सकते हो, लेकिन टेन थीटा लगाने के लिए आपको ए लेंथ चाहिए एंड देन ए वाली चाहिए, ए वाली लाइन इट मीन्स इन दोनों शाफ्ट का जो डिफरेंस होगा ए वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं, 41 मीटर का होगा। ठीक है, ए वाली जो लाइन दिखा रहा हूँ वो 41 मीटर। इसके बाद अगर ये 41 है तो आप यहाँ पे मेरा जो डेप्थ है ए का 200 मीटर है, इट मीन्स आपका ए वाली जो लेंथ होगी ये वाली जो लेंथ होगी वो ये होगी आपका 159 मीटर। ठीक है ना, 159 मीटर्स, अगर ये 159 मीटर्स है और ये 149 मीटर यहाँ यहीं तक है तो यहाँ के इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, मुझे ए वाली लेंथ इजिली पता चल गई मैं, ठीक है, मैं इसको ए भी बोल रहा हूँ, सॉरी मैं इसको पी क्यू बोल सक बोलता हूँ क्योंकि ए भी मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, पी क्यू आर यहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखिए फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ए वाली लेंथ चाहिए, ये पैरेलल जो लाइन है इसकी हमको लेंथ चाहिए। देखिए, तो मुझे कोऑर्डिनेट पता है ए और बी का और मुझे ए वाली इसको मैं अगर सी बोलूँ, इस पॉइंट को सी बोलूँ, मुझे ए सी भी पता है और इस कोऑर्डिनेट के थ्रू मैं इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ और मुझे इसके थ्रू अगर ए मिल गया तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ए भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये लाइन मिल गई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है ना, तो मैं इजिली इस लाइन का लेंथ भी फाइंड आउट कर लूंगा और उसके थ्रू मैं टेन थीटा लगा के मैं यहाँ पे इसका ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ए बी का हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है। और 170 माइनस 670 होल स्क्वायर प्लस 50 माइनस माइनस प्लस 150 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2900000। ठीक है, तो 294 टाइम 0। ठीक है, ये आपका कुछ ए भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रूट में ही रहने देता हूँ क्योंकि आगे आगे मेरे को वैल्यू रखने में आसानी होगी। अब देखिए, मेरे को ए भी पता चल गया, मुझे ए भी पता है, ए सी भी पता है, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, कौन सा ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी
प्लस सी वी, ठीक है। देन आपको फाइंड आउट करना है मेरे को सी वी, ठीक है। तो सी वी क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर का रूट। और ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी है आपका जस्ट ए, और इसका रूट का रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 290 थ्री टाइम जीरो माइनस ए सी क्या है आपका, ए सी है 41, 41 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे देन सी वी आएगा यहाँ पे, सी वी इज कमिंग 536.95 मीटर, ठीक है। तो सी वी भी मुझे मिल चुका है। यहाँ पे हम बताएं, पहले बोल दिए कि जो ए वाली लाइन है आपका सी वी एंड आपका पी आर, सी वी पैरेलल टू आर पी, ठीक है, देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये चीज पता हो गया, तो देन यहाँ पे मेरा आर पी भी कितनी होगी, 536.95 मीटर ही होगी। तो यहाँ पे मेरा आर पी जो होगा 536.95 मीटर। देन अगर ए लेंथ मुझे पता चल गया तो कितनी है, 536.95 और 10 मीटर 10 मीटर पी क्यू है। देन यहाँ पे मैं इजिली लगा सकता हूँ आपका, देन मैं यहाँ पे इजिली लगा सकता हूँ, देन यहाँ पे मैं इजिली लगा सकता हूँ ट्राइंगल ट्राइंगल पी ट्राइंगल आर पी क्यू में। तो यहाँ पे देखेंगे 10 थीटा स्क्वल टू 10/536.95। देन यहाँ पे मेरा थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स, क्योंकि थीटा मुझे निकालना है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू शाफ्ट द डिग्री बोला है। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देन इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देन इसकी जो वैल्यू आती है आपका 1.0666, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राउंड अप टू डेसिमल बोला है, तो यहाँ पे टू डेसिमल तक कंसिडर करते हैं। जो थीटा आ रहा है मेरा वो आ रहा है आपका 1.06 डिग्री, सॉरी। तो मेरा जो दो शाफ्ट का बॉटम है उनको मिलाने वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ 1.06 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पीवाईक्यू बेस्ड ही था, ठीक है। तो सर्वेइंग से मेरा दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आई थिंक 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, टोटल के 3 मार्क्स सर्वेइंग से पूछे गया।